हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मैं नाम नबील है। आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ सिंपल टेक्निक्स जिसकी मदद से आप जो अदर्स वाला डेटा होता है, अदर्स वाला स्टोरेज होता है आपके आईफोन के अंदर, उसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास 64, 128, 256 GB वाला आईफोन है, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ हैवी यूज़र्स के लिए, तो आपको इस चीज़ के बारे में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 16 GB, 32 GB वाला स्टोरेज वाला वेरियंट है, तो आपको जो अदर्स वाला स्टोरेज है जो वो ऑक्यूपाई करके रखता है, वो काफ़ी तकलीफ दे सकता है। अदर्स जो होता है वो 4 GB से लेके 16 GB, 20 GB तक मैंने लोगों के फ़ोन में देखा हूँ कि इतना जो है उसने ऑक्यूपाई करके रखा है। अकॉर्डिंग टू एप्पल, एप्पल ऐसा बोलता है कि इसके बारे में आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, अदर्स का जो स्टोरेज है वो ऑटोमेटिकली रीराइट होते रहता है। क्या होता है, हम लोग जो है कुछ वीडियोज़ देखते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, हम लोग वेबसाइट में ब्राउजिंग करते हैं, अलग अलग चीज़ें जो है वहाँ पर डाउनलोड हो जाती है, बैक एंड पर हमारे आईफोन में स्टोर रहती है, ताकि हम अगली बार जब उसको ओपन करें तो वह क्विकली और फास्ट तरीके से जो ओपन हो जाए। लोडिंग टाइम जो है उसका रिड्यूस करने के लिए जो अदर्स वाला स्टोरेज होता है, इसके अंदर वो कैश जो है वो जमा होता है। तो अगर आपके आईफोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, तो इस बारे में बॉदर बिल्कुल भी मत कीजिए, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आपके आईफोन में कम स्टोरेज है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये अदर्स को आप डिलीट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसका तरीका जो है कोई भी वन क्लिक वाला नहीं है कि एक क्लिक किया और अदर्स डिलीट हो गया, लेकिन कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस स्टोरेज को, अदर्स वाले स्टोरेज को डिलीट या फिर कम कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। नॉक सिक्योरिटी एंटीवायरस जो है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है एंड्रॉइड फोन्स के लिए। इसमें आप कंप्लीट सिस्टम को स्कैन कर सकते हो एक क्लिक के साथ। कोई भी मैलवेयर होगा, वायरस होगा, ये कम्प्लीटली इसको रिमूव कर देगा, सब सिस्टम क्लीन हो जाएगा। इसके अंदर आपको मेमोरी बूस्टर का ऑप्शन मिलता है, ऐप लॉक का ऑप्शन मिलता है, नोटिफिकेशन मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप पूरे नोटिफिकेशंस जो बेकार बेकार के आते रहते हैं एंड्रॉइड में, उसको साइलेंट कर सकते हो। सीपीयू कूलिंग का ऑप्शन मिलता है, फ़ोन ज़्यादा गर्म हो गया, सीपीयू कूल यहाँ से कर सकते हो फ़ोन का। इसके साथ साथ जो है मेमोरी बूस्टर का ऑप्शन है, जिसमें आप सारे जंक फाइल्स जो है एक क्लिक से ही क्लियर कर सकते हो और अपने फ़ोन को, अपने एंड्रॉइड फ़ोन को काफ़ी फास्ट बना सकते हो। ये कम्प्लीटली फ्री एप्लीकेशन है, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर इसको चेकआउट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा आईफोन 7 प्लस, इसके अंदर जो अदर्स में कितना स्टोरेज ऑक्यूपाई करके रखा है, इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आप चले जाएंगे, उसमें जाना है आपको जनरल में, जनरल में जाना है आईफोन स्टोरेज के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइट ग्रे कलर का यहाँ पर बार नज़र आ रहा है, ये अदर्स का स्टोरेज है, यानी कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज या डेटा जो है ये ऑक्यूपाई करके इसने रखा है। तो बेकार में अदर्स जो है यहाँ पे हमारे फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ पे 32 GB के आईफोन के अंदर 5.5 GB जो है वो सिस्टम स्टोरेज है, जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते, सिस्टम के फाइल्स है, आईओएस सिस्टम के फाइल्स है। लेकिन जो अदर्स का यहाँ पे डेटा आप देख रहे हो, ये 3.82 GB का है। 3.82 GB जो है बहुत ज़्यादा होता है एक 32 GB के आईफोन के लिए। अगर आपके पास 128 GB या 256 GB का आईफोन है, तब तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, 64 GB वालों को भी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनके पास 16 GB या 32 GB के आईफोन्स है, उनके लिए जो फिक्र की बात होती है। अदर्स को डिलीट करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा किन एप्लीकेशंस ने कितना स्टोरेज ऑक्यूपाई करके रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फाइल्स एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का साइज जो है 8 KB का है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा जो है वो 750 MB का है। अगर आपको कोई बोले कि ऑफलोड ऐप करने से आपका अदर्स का डेटा खाली हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐप को अगर आप ऑफलोड करेंगे तो सिर्फ इसका ऐप डिलीट होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट डेटा वहीं का वहीं रहता है। जब ऐप को आप रीइंस्टॉल करते हो, तो वापस से डेटा जो है ऐप के अंदर आ जाता है। तो इसके लिए ये तरीका नहीं है दोस्तों, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, यहां से निकल के जो जो एप्लीकेशंस आपको लगता है कि ज्यादा जो है कैश जमा करके रखे हैं, जंक फाइल जमा करके रखे हैं, उनको यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आईफोन के अंदर डायरेक्टली जो है कैश क्लियर करने के लिए कोई भी बटन नहीं है। तो आपको मैन्युअली जो है एप्लीकेशन को इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप iOS 13 में, तो रीअरेंज ऐप पे क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इस मोड में चले जाएंगे जहाँ पे से आप जो है एप्लीकेशन को डिलीट करके रीइंस्टॉल कर पाएंगे। ये हो गया दोस्तों तरीका नंबर एक। तरीका नंबर दो जो है, टिप नंबर दो जो है, उसके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे सर्च करना है सफारी। सफारी जो है हमारा आईफोन का ब्राउजर होता है, अगर सफारी की जगह क्रोम यूज़ करते हो तो आप क्रोम पे भी क्लिक कर सकते हो। सफारी पे आप चले जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारा जो डेटा है, काफ़ी सारा जो कैश है, वो यहाँ पे जमा होता है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा, ये अगर आप कर देंगे तो आपका काफ़ी सारा अदर्स का जो डेटा है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ से हम क्लियर हिस्ट्री एंड डेटा करते हैं, और हमारे सफारी का सारा जो कैश है स्टोर्ड, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो सबसे ज़्यादा अदर्स का स्टोरेज होता है दोस्तों, वो हमारे मैसेज के अंदर होता है। अगर आप आई मैसेज का इस्तेमाल करते हो, तो आई मैसेज के अंदर भी लोग आपको जो फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह भेजते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है डेटा अदर्स का ऑक्यूपाई करके रखते हैं, स्टोरेज अदर्स का ऑक्यूपाई करके रखते हैं।
तो आई मैसेज में जाकर उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के वीडियोज़ वगैरह अगर आप डिलीट कर सकते हैं पूरा मैसेज डिलीट ना करके, तो भी आपका अदर्स का जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा खाली हो सकता है। और जो हमारा आखिरी तरीका है दोस्तों, ये थोड़ा लेंदी है, इसमें आपको अपने लैपटॉप पीसी या मैकबुक की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन को वहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा आईट्यून्स के साथ, अपने पीसी या मैकबुक के साथ, और वहाँ पे आईट्यून्स में जाके आपको बनाना है फुल एनक्रिप्टेड बैकअप, आपके फ़ोन का कंप्लीट एनक्रिप्टेड बैकअप आपको मैकबुक पे बना लेना है या पीसी पे बना लेना है आईट्यून्स के अंदर। और बैकअप बनाने के बाद आपको आना है फिर से अपने फ़ोन में, एक बार आपने बैकअप बना लिया, आपको पासवर्ड वगैरह भूलना नहीं है उसका। फ़ोन में आने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में जाना है जनरल में, जनरल में आपको जाना है सबसे नीचे, और यहाँ पे जाना है रीसेट पे। रीसेट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है इरेज ऑल कॉन्टेंट एंड सेटिंग्स के ऊपर। एक बार आपने इस पर क्लिक किया, आपके फ़ोन में से आपको सारा डेटा, हर चीज़ जो है वो डिलीट कर लेना है। उसके बाद आपका फ़ोन वैसे ही हो जाएगा जैसा एक नया फ़ोन होता है, जैसे आप बॉक्स में से निकालते हो बाहर। आपको उसको फिर से सेटअप करना पड़ेगा, तो सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको अपने पीसी से फिर से कनेक्ट कीजिए और जो आपने बैकअप बनाया है उसको अपने फ़ोन में रिस्टोर कर लीजिए। बैकअप को रिस्टोर करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा जो जंक फाइल्स है, कैश है, वो क्लियर हो जाएगा और आपके फ़ोन का जो अदर्स वाला स्टोरेज है वो काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अदर्स वाला जो स्टोरेज है उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे टिप्स जो है हेल्पफुल लगे होंगे और वीडियो पसंद होगा, पसंद होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।